मेकअप लुक शेयर आप लोगों के साथ, और आप लोग आई होप आप लोगों को ये जो लुक मैंने किया है वो आप लोगों को पसंद आए फ्रेंड्स। तो ज़्यादा देर नहीं कर रही हूँ, फटाफट से देख लीजिए। और जो भी मैंने पहना है ज्वेलरी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इयर रिंग में क्या पहनूँ, तो मैंने यही डाल लिया क्योंकि इससे मैच हो रहा था थोड़ा सा। तो ये ग्रीन है और ये गोल्ड में है, तो मैंने ये डाल लिया है, और मैंने चुंडियाँ भी डाली हैं तो इस तरह की है। तो आप लोगों को करिए मेकअप लुक अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी जरूर हिट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जैसे ही आप हिट करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए आप ये वीडियो मैंने किस तरह से ये क्रिएट किया है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं तो आपके पास मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, प्रोडक्ट लिंक, और आप लोग अगर चाहें तो आप बाय कर सकते हो। और ज़रूर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा, मैं अच्छी लग रही हूँ या ख़राब लग रही हूँ। थोड़ा सा मेरी थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है, तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे क्रिएट करना था ये मेकअप लुक, तो मैंने किया आप लोगों के लिए, और मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी से देख लीजिए ये वीडियो, और मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले लगा रही हूँ ये है एल्प्स गुडनेस का रोज़ वाटर, और मैं इससे अपने फेस को हाइड्रेट कर ले रही हूँ, और मेरा फेस एकदम क्लीन है। मैं अभी फेस वॉश करके आ रही हूँ। मैं इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं 2 मिनट के बाद मैं लगा रही हूँ ये है सीरम, और ये सीरम है गुड वाइब्स का सेफ्रॉन। ये मेरे फेस को अच्छे से अंदर तक जाकर और मेरे फेस के ऊपर पोर्स में जाकर अच्छे से वर्क करेगा तो अच्छा रहेगा मेरा फेस। इसके बाद मैं लगा रही हूँ अपना ये है लोटस का वाइट ग्लो क्रीम, तो मैं इसको लगा लूँगी। मेरी स्किन ज़्यादा ड्राई हो रही है अभी क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम आ गया है, तो इस वजह से। और फ्रेंड्स, अब मैं लगाऊंगी ये है रोज़ और मलबरी का जेल, और मैं प्राइमर की जगह जेल यूज़ कर रही हूँ। आज मैं प्राइमर नहीं लगा रही हूँ तो मैं जेल ही लगा लेती हूँ। अब मैं अपने लिप्स को हाइड्रेट कर ले रही हूँ, और मैं लगा रही हूँ लिप बाम। फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपना पूरा मेकअप बीबी क्रीम के साथ, और ये है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, तो इसके साथ ही मैं पूरा मेकअप अप्लाई कर लूँगी सारा जब मैं करने वाली हूँ। मैंने इसको निकाल लिया है, और मैं इसके साथ थोड़ा सा मुझे अच्छा कवरेज चाहिए तो, और थोड़ा इससे भी अच्छे से आ जाएगा, तो मैं मिला रही हूँ इसमें NYV का फाउंडेशन। ये थोड़ा सा वाइट है तो मुझे थोड़ा सा वाइट सा चाहिए, मैंने थोड़ा सा ही डाला है इसको, और क्योंकि मैं ये थोड़ा वाइट है तो इसका ऐसे यूज़ नहीं होता है, और मुझे थोड़ा सा ग्लोई सी फिनिश चाहिए अपने फेस पर, तो मैं स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ। टू ड्रॉप्स, और इसको मिक्स करके मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और जो NYV का फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा, ये देखिए मिक्स कर रही हूँ, तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ डॉट डॉट करके।
अपने पूरे फेस पर, नेक पर, ईयर पर, जहाँ जहाँ मैं अप्लाई करती हूँ वहाँ वहाँ, तो मैं हैंड से ही ब्लेंड कर लूँगी अपनी फिंगर्स के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से अपने फेस को पर फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है, तो मैं अब पाउडर से फेस को जहाँ जहाँ मुझे अंडर आई एरिया तक कुछ अप्लाई करने वाली हूँ। और पाउडर से मैं नाइट में थोड़ा सा अच्छा कवरेज रहे ना फेस पर, तो मेकअप का और अच्छे से इसको लगा कर थोड़ी देर के लिए ही इस तरह से छोड़ दे रही हूँ, फिर उसके बाद हटा दूँगी। कितनी फनी लग रही है ना। और मैं ले रही हूँ कॉम्पैक्ट, मुझे कॉम्पैक्ट लेना था बट चलिए अब मैं यही ले लेती हूँ, मैंने ये उठा लिया। तो मैं मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। और मैंने लिया है ये वेगा का है मेरा ये जो ब्रश है, और मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि लाइटिंग में वैसे भी मेरा फेस बहुत ज़्यादा चमकी रहेगा। चलिए इसको भी हटा लेती हूँ। तो मैं आईब्रो सेट कर ले रही हूँ स्पूली से, और ये है नेक का मेरे जितना भी प्रोडक्ट, जितने भी मेरे ब्रशेस वगैरह हैं वो नेक के हैं। तो मैं आईब्रो सेट कर ले रही हूँ तो मैं आईब्रो सेट कर ले रही हूँ ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी आईब्रो को सेट कर लिया है, और ये है ADS का आईब्रो पेंसिल, तो मैं इससे ही करती हूँ। और अगर आप पाउडर से सेटिंग करना चाहते हो तो पाउडर से कर लीजिए, बट मैं इसी से करती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपने आई शेडो वगैरह लगा लेती हूँ। तो देखते हैं कौन सा शेड यूज़ करूं, क्योंकि मेरे जो मैं पहनना चाह रही हूँ साड़ी उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। तो पहले तो मैं इस कलर को अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये मैं ज़्यादा तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ पैलेट वगैरह, तो मैं हिले रोडा का ही पैलेट यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता है, तो मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ। और इसमें से मैं ये वाला जो शेड है ना, ये वाला जो शेड है वही मैं यूज कर रही हूँ, मैं इनर कॉर्नर से यूज कर रही हूँ। हल्का हल्का ही मैं अप्लाई करूंगी, पहले आप भी हल्का सा ही यूज किया करिए पहले, फिर उसके बाद आप कुछ थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्ट लेना है आपको, और अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है। ब्लेंड जितना करेंगे उतना अच्छे से आपका जो आई शेडो है वो उभर कर आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने दोनों आईज में अप्लाई कर लिया है ये कलर, और मेरे जो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ उसमें ग्रीन कलर भी है, तो मैं ग्रीन शेड ले रही हूँ। अब ग्रीन
सेट पिक कर रही हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा मैं बस मैं इस तरह से ही अप्लाई करूंगी इसको ग्रीन शेड को। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ग्रीन कलर भी अप्लाई कर लिया है और मैंने एक मेरे उस साड़ी में पर्पल कलर भी है तो मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर से लेकर और इस तरह से अप्लाई कर ले रही हूँ बहुत ही हल्का सा। उसके बाद मैं ग्रीन कलर फिर से अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा इफेक्ट चाहिए मुझे इस वजह से। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कलर आया है ये। तो बस इस तरह से आउटर वी पर इस तरह से मुझे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले जो ट्रांजिशन कलर लिया था वो फिर से मैं अप्लाई कर लूँगी और तीनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हल्का हल्का ही करना है। आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक अच्छा लगे। फ्रेंड्स कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा हो। मुझे इतना मेकअप नहीं आता है पर जितना आता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मैंने ब्लू हेवन का ये आई शेडो पैलेट लिया है और ये क्रीमी बेस पर है तो मैं इसका ग्रीन कलर्स में से लेकर अप्लाई कर रही हूँ। मैं फिंगर से ही लगा ले रही हूँ। कितना ब्यूटीफुल सा कलर आ गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं लगा रही हूँ NYV का आईलाइनर और मैंने इसमें लगा लिया है आईज में क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इस वजह से। और ये आईलाइनर बहुत अच्छा है। अगर आप लेना चाहें तो मैं आपको सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ अगर आप चाहेंगे तो। आई होप दोनों में एक सा ही लगा हो। और मैं यूज कर रही हूँ स्टिक उल्टी का बेडरेस काजल।
और अब मैं लगाने जा रही हूँ मस्कारा। ये है मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, तो ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है फ्रेंड्स, तो अगर आप लेना चाहें तो इसको ले लीजिएगा। और हमेशा इस तरह से आपको विगल करके लगाना है इस तरह से, क्योंकि अच्छे से कोटिंग हो। और ये वाटर प्रूफ मस्कारा है, तो आपको ये इसको बहुत ही संभाल कर यूज़ करना है। इसके बाद आपको जब भी इसको आपको हटाना है तो आप इसके लिए ना मिसेलर वाटर या फिर आप कोई भी रिमूवर का इस्तेमाल कीजिए। दो से तीन कोट आपको लगा लेते। तो फ्रेंड्स मैं कंटूरिंग कर रही हूँ अब, और मैं पाउडर से ही कंटूरिंग कर रही हूँ, क्योंकि समर्स में ना बहुत ज़्यादा जब इतनी लाइटिंग में जाते हैं हम लोग तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इस वजह से मैं पाउडर से ही कर रही हूँ। और अब मैं लगाऊंगी ब्लश, और मैं ब्लशर भी लगाऊंगी और ब्रॉन्ज करूंगी अपने फेस को। तो मैं पिंक कलर लगा रही हूँ, देखिए। बहुत ही हल्का है फ्रेंड्स, ये लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है पर ज्यादा नहीं है। मैं हाइलाइटर भी लगा ही लेती हूँ लगे हाथ, उसके बाद मैं आई को पूरा सेट करने वाली हूँ। अभी ये मेरा आई मेकअप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब लाइटिंग में जाते हैं तो जब फेस पे जब लाइटिंग पड़ती है तो चमकता है फेस, तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, इसलिए इस तरह का मेकअप ज़रूर करना चाहिए। अभी ओवर लग रहा है लेकिन अभी नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी देखिएगा, दिखाऊंगी मैं आपको, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब। फिंगर की हेल्प से ही मैं इधर लगा लूंगी अपने आईब्रो वाली मोल पर। काजल के बाद मैं इसको स्मज कर ले रही हूँ अच्छे से, नहीं तो ये फैल जाएगा, इस वजह से मैं ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ और इसको नीचे से इस तरह से तो अब मैं लगाऊंगी लिप कलर। तो मैं अपने जो डिब्बा मैंने लगाया था वो मैं रिमूव कर रही हूँ और मैं लगा रही हूँ। ये मैंने लिया है NYB का क्रियोन और मेरा शेड नंबर है 9। ये देखिए मेरा फाइनल लुक
और आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैंने वेयर भी कर लिया है साड़ी, और मेरा ये लुक कैसा लग रहा है ये आप लोग बताइएगा। तो मैंने बालों को अभी टायर नहीं किया है क्योंकि अभी मैं खुले ही रख रही हूँ। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है ये लुक कैसे मैंने क्रिएट किया है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो इस वजह से मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ये मेकअप लुक शेयर करने में आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और आपको पता ही है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप इसको भी एंजॉय कर पाएंगे न्यू वीडियो को। तो फ्रेंड्स मेरे इयररिंग कैसे लग रहे हैं आपको और मेरा ये सेट कैसा लग रहा है गले का, तो ये मिक्स एंड मैच किया है मैंने, ये अलग से मैंने लिया है और ये अलग से, ये मैंने यहाँ पर लखनऊ महोत्सव लगता है वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया था पिछले ईयर, और इस बार भी मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें इस बार तो परचेस करूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स आपको मेरे हेयर थोड़े से भी वेट है तो इस वजह से मैंने हेयर स्टाइल नहीं बनाया है। तो आप लोगों को अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।